हे गाइस, अगर आप लोग एक परफेक्ट फैमिली डॉग ब्रीड ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड लेके आया हूं। अगर आप लोग इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। मेरा नाम है मंजीत और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द फेमस डॉग ब्रीड के बारे में, जो है लैब्राडोर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक ऐसी डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हैं जो आपके फैमिली के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो, तो लैब्राडोर के अलावा शायद ही कोई नाम आप लोगों के माइंड में आए, क्योंकि लैब्राडोर में हर एक वो क्वालिटीज हैं जो एक अच्छी फैमिली डॉग ब्रीड में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे लैब्राडोर पपीज हैं एकदम प्योर क्वालिटी के हैं और ये दो अलग अलग लीटर के पप्स हैं। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इन पपीज का प्राइस भी काफी रीजनेबल है। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये 35 डेज का पपी है और साथ में आप लोग इनके पेरेंट्स को भी देख सकते हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो भाई क्वालिटी वाइज आप लोगों को इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। और हाँ गाइस, आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ एक सिंगल मेल ही अवेलेबल है, बट जो दूसरे पपीज हैं उनमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे। और गाइस, फर्स्ट टाइम ओनर्स के माइंड में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम अपनी स्टार्टिंग कौन सी डॉग ब्रीड के साथ करें, क्योंकि अगर आप लोग जितने भी लोगों से एडवाइस लोगे वो सभी आप लोगों को अलग अलग डॉग ब्रीड सजेस्ट करेंगे, उसकी वजह से आप लोग और भी ज्यादा कन्फ्यूज हो सकते हो। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लैब्राडोर के साथ स्टार्टिंग करें, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। और गाइस, ये देखिए, ये है हमारे दूसरे लीटर के पपीज। इनकी जो एज है वो 50 डेज ओल्ड है और ये पपीज भी एकदम प्योर क्वालिटी के हैं। और दोस्तों, लैब्राडोर बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, आप लोग इन्हें किसी भी काम के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, आपको इन्हें ट्रेंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मे बी 90% लोग ये बात जानते हैं कि लैब्राडोर बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते, तो आप लोग इन्हें किसी भी टाइप्स की फैमिली में रख सकते हैं, चाहे आपकी फैमिली बड़ी हो या छोटी, ये उनमें आराम से रह सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट करें, आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएंगी। तो वीडियोस का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। और फ्रेंड्स, ये जो 50 डेज वाले पपीज हैं ये उनके फादर हैं। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ओनर ने साथ में ये भी बताया कि ये पपीज चैंपियन लाइन से हैं, तो आप लोग पहले इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले, उसके बाद में ही आप लोग इन पपीज को परचेज करें। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी लोकेशन और प्राइसिंग के बारे में। बट उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइस, ये जो छोटे वाले पपीज हैं इनकी एज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 35 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ यूपी से। और डिलीवरी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है, बाकी इस बारे में आप लोग डॉग ओनर से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के प्राइसिंग के बारे में। तो फ्रेंड, जो 35 डेज वाला सिंगल मेल पपी है, ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 7000 रुपीज, यानी 7000 रुपए। और ये जो 50 डेज ओल्ड पपीज हैं इनकी जो प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 11500 रुपीज, 11500 रुपए, और फीमेल की है 11000 रुपीज, यानी 11000 रुपए। तो प्राइस काफी रीजनेबल है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर एक बार जरूर बताएं कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को जरा सी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू डॉग ब्रीड के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय।